हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कम रेट में सस्ते में कुरियर कहीं भी कैसे भेज सकते हैं। मैंने बहुत सारी जगह देखा, मुझे एक दो बार डॉक्यूमेंट कहीं भेजने थे तो प्राइवेट कुरियर कंपनी बहुत सारी है, ब्लू डार्ट है, डीटीडीसी है, नंबर ऑफ कुरियर कंपनीज वर्क करती है, डिलीवरी है, इन कंपनीज के थ्रू जो भी एजेंट्स बने बैठे हैं पता नहीं एक्चुअल चार्जेस क्या होते हैं, बट एक सिंपल डॉक्यूमेंट जिसका वेट 15 से 20 ग्राम एक छोटा सा पैकेट लिफाफा था, मुझे यहां से अगर बेंगलुरु कर्नाटक भेजना था मेरे से 100 रुपीज चार्ज कर लिए कुरियर कंपनी ने, 120 मांगे उन्होंने, 100 रुपीज मैंने दिए। उसी लिफाफे को नेक्स्ट टाइम मैंने अगर सेंड किया, मैंने डाकघर से सेंड किया, पोस्ट ऑफिस से सेंड किया, जी हाँ, जो भारत डाकघर, भारतीय डाकघर, सरकारी डाकखाना है वहां जाके मैंने उसकी चाहे रजिस्ट्री करा दो चाहे स्पीड पोस्ट करा दो, जितने दिन में आपका कुरियर पहुंचता है उतने ही दिन में उससे जल्दी आपका डाकघर पोस्ट को पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंचा। मेरा चार्ज पड़ा सिर्फ 23 रुपीज, 23 रुपए में वो मेरा जो लिफाफा था वो मेरा उसी लोकेशन पे पहुंच गया जहां मेरा 100 रुपए उसने लिए थे जिसने 120 मांगे थे प्राइवेट वाले ने। ऐसा एक बार नहीं, 2-3 बार हुआ है, मैंने कई जगह पे वॉच किया है कि प्राइवेट कंपनीज के कुरियर चार्जेस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हो गए हैं या फिर डीलर जो ये एजेंट्स बैठे हैं ये लोग लेते हैं। बट ये वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सस्ते में अपने कुरियर को भेजें, जहां मर्जी भेजना आप डाकघर के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजें, सरकारी सेवाओं का यूज करें, डाक खाने के थ्रू भेजें, वहां चाहे आप रजिस्ट्री कराएं चाहे स्पीड पोस्ट कराएं, दोनों ही अच्छी हैं। स्पीड पोस्ट से थोड़ा और ज्यादा जल्दी जाता है, रजिस्ट्री जनरली सरकारी डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए, सरकारी कार्यालय के लिए यूज की जाती है। कहीं ना कहीं मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपको कहीं कुरियर भेजना है कहीं किसी भी तरह की सर्विसेज के लिए, जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, कुरियर जो है कुरियर ऑफिस जगह जगह खुले हुए हैं, शॉप 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 इधर उधर हर जगह खुले हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, नजदीक में कोई है किसी को भी दे दिया, चलो जी कुरियर कर दो। हर जगह पे एक शहर में एक ही पोस्ट ऑफिस होता है, थोड़ा सा वहां पे हल्का सा क्राउड भी मिल जाता है, 2-4 लोगों की लाइन में भी लगना पड़ता है। सिर्फ इन चीजों से बचने के लिए हम लोग सोचते हैं ठीक है यार दे 200 रुपए, लेकिन दोस्तों जो काम आपका 23 रुपए में हो रहा है वहां 100 रुपए क्यों देने। जो सर्विस आपको सरकार की इतनी अच्छी सर्विस मिल रही है, टाइम पे पहुंच रहा है और आपको मतलब एक विश्वास है कि ये मेरा काम अच्छे से होने वाला है और सरकार के आप खजाने में वो पैसा जा रहा है, आप सरकार को योगदान दे रहे हैं, और क्यों आपको 80 रुपए वेस्ट करने हैं, 70 रुपए वेस्ट करने हैं। ये एक एग्जाम्पल मात्र था, ऐसी किसी भी तरह की बड़ी बड़ी सर्विसेज बड़े बड़े कुरियर्स के लिए भी आप कोशिश करें कि पोस्ट ऑफिस जैसी सर्विसेज को यूज करें। मैं कोई पोस्ट ऑफिस का एजेंट नहीं हूं, मैं जनरली एक मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोज बनाता हूं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि जब भी आप किसी तरह के कुरियर सर्विसेज के लिए जा रहे हैं कोशिश करें कि पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाकघर जो सरकारी डाकघर होते हैं उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करें। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लोगों तक शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।